पंजाब में हुए 4 तारीख को विधानसभा तथा लोकसभा चुनावों में अमृतसर के लोपो के एरिया में वोटों की धांधली का मामला सामने आया है, जिसमें सरदार मलकीत सिंह नामक युवक 2 विधानसभा तथा 1 लोकसभा की वोट डालता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले की युवक द्वारा एक वीडियो भी बनाई गई है। आम आदमी पार्टी द्वारा इस मामले की शिकायत चुनाव कमीशन से की गई तथा विधानसभा राजस्थान सी के अकाली दल के उम्मीदवार सरदार वीर सिंह लोपोके ने इस मामले में कहा कि वो वीडियो उन्होंने भी देखी है, लेकिन उस युवक द्वारा पहले अपनी वोट डाली गई, फिर अपने दादाजी की वोट डाली गई। उनका कहना, वह उस युवक को नहीं जानते। मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी है, राजस्थान सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये एक गुंडागर्दी का अकाली दल की तरफ से नंगा नाच है, जो हम पहले से कह रहे हैं कि ये गुंडा राज है, इस गुंडा राज से मुक्ति पानी है। शरेआम बूथ कैप्चरिंग हुई है और जो स्टाफ है वो भी इनके साथ मिला हुआ है, और कैसे वो क्लियरली आप स्टाफ मेंबर्स हैं उनको बोल के तो वोटें डाल रहे हैं, दो दो बार वोट डाली है। और इसके बारे में मैंने इलेक्शन कमीशन को भी कंप्लेंट किया और FIR भी सुबह लॉज करवाएंगे। बहुत पता नहीं, ये और भी कहीं कहीं ऐसे इन्होंने बूथ कैप्चरिंग करके नजायज़ वोटें डलवाई होंगी, और इलेक्शन कमीशन से अपील है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई इनके लोगों के खिलाफ और उस स्टाफ के खिलाफ भी करें। बिल्कुल इस पर दोबारा पोलिंग होनी चाहिए, डेफिनेटली। हाँ जी, मैंने अभी इन्फॉर्म किया हाईकमान को भी, और स्ट्रिक्टली इसके अगेंस्ट ऊपर से भी हाईकमांड की तरफ से भी इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट जाएगी और प्रेशर भी बनाएंगे कि इस पे कार्रवाई। जो भी बात है, मेरे नॉलेज में तो कोई नहीं है, ना कोई हुई है। वैसे जो मर्जी कोई इल्ज़ाम लगाने वास्ते ला ले, अमन शांति ना बिल्कुल कोई भी बंदा जरा है किसी भी बूथ उत्ते, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। क्योंकि मैं आप बूथों से बहुत घट गया, मैं एक थान बैठ के सब निगाह रखी है। जब मैं कहीं जावा फिर बूथ कवरेज हो रही है, जब मैं बैठा ही कर रहा लोप हो गए जा हुए, फिर बूथ कवरेज कैसे हो सकती है। बिल्कुल जो मूवी बनाई वो गलत बनाई है, वो जो पा रहा है अपने बाप की दादे की वोट पा रहा है, उसको काट दिया गया है तो उसे उसको दिखाया गया है। मैंने भी देखी है वो जो स्पष्ट चाहिए था ही वो नहीं दिखा रहे, क्योंकि ये उन्हें दिखाने हैं कल इलेक्शन कमीशन को जाएगा, जो सब देखेंगे। पहले अपनी वोट पाई, फिर उन्हें अपने दादाजी की वोट कोल खड़ोता खड़ा है वो पाई है। मैं नहीं लाऊंगा, जिसके पर इल्ज़ाम लगा है वो अपने स्पष्टीकरण जरूर देगा, मुझे तो मालूम नहीं है। पर मैंने जिस तरह तुम बोल रहे हैं, मैंने भी समझा कि मैं क्या हुआ है, असलियत ये बात ये है। नहीं, मैं उन्होंने नहीं जानता, वोटर तो सारे होंगे, कोई कैसे प्रभाव है कोई। वैसे मैं उन्होंने पहला नहीं जा, कोई नहीं जानता ना, होने ही जानता उन्होंने, जब मेरे सामने आए मैं नहीं जानता। पर जो जिस तरह बात हुई मैंने पता लगा अरे गल है कि असलियत की है। उन्हें सही वोट वो अपनी पाँव गया नाल मैंने बाप की पाई है, मेरी घटती ने मैं बाप वाली पिछा करती नहीं, उसने मैंने शो करता ने जो स्पष्टीकरण देगा अपनी मूवी दिखाएगा। उसका सच सर ये है कि अमृतसर हलके में 2 वोटें डाली जा रही हैं, 1 MLA इलेक्शन 1 MP इलेक्शन। मैंने 1 वोट पहली डाली फुल को, दूसरी मैंने तकड़ी को डाली, दूसरी वोट मैंने अपने दादाजी की डाली है। तो यही बात है कि मैंने वोट सही डाली है तो इसका इशू गलत निकाला जा रहा है, और कुछ नहीं है। दादाजी आपके खुद वोट नहीं डाल सकते थे? ना ना ना, दादाजी ने रिकॉर्डिंग आप सुनिए, जो वीडियो के बीच रिकॉर्डिंग है, दादाजी ने बोला मेरी वोट मेरा पोतरा डालेगा। वीडियो तो मैंने ही बना था, पर गलती पे व्हाट्सएप के चला गया, इतनी दूर चला गया, इसलिए नहीं किसी ने तलाशी नहीं की, ना किसी ने पूछा, ना सीक्रेट बनाई मैंने, कौन सी शोर की थी वहाँ पे।